अब हम देख चुके हैं कि किस तरह हमने RS लैच को मॉडिफाई करते करते D लैच तक पहुंचाया और किस तरह से इसको हमने यूज करना शुरू किया। अब यहां पहुंच के एक प्रॉब्लम हमारे सामने और आई। वो प्रॉब्लम क्या थी कि आपको मालूम है कि हम कहते हैं कि कंप्यूटर इतने मेगाहर्ट्ज़ पर चल रहा है, उसका मतलब ये है कि उसके अंदर वेव फॉर्म जिसे हम कहते हैं बनाते हैं, इस फॉर्म के अंदर बनाई जाती है कि जी इस तरह की स्क्वायर वेव चल रही होती है। ये स्क्वायर वेव असल में क्या होती है, जीरो वोल्ट सम वोल्ट, जैसे 5 वोल्ट, 0 वोल्ट, 5 वोल्ट, इस हिसाब से पल्सेस आ रही होती है। जो वोल्ट हम ये सेट कर देते हैं उसी हिसाब से जो मैं डाटा यहां पर दूंगा वो या तो 0 होगा या 1 होगा। उसको भी मैं इस तरह से शो कर सकता हूं कि नॉर्मल 0 दिए हुए, 0 वोल्टेज चल रहे, 1 डाटा देना है तो यहां पर मैं ये 1 वोल्टेज इतनी देर के लिए दूंगा और फिर दोबारा 0 कर दूंगा, ठीक है। उसी तरह से अनेबल सिग्नल को हम डिफाइन करते हैं कि ये 0 चल रहा था, इसे अनेबल करने के लिए 1 किया और फिर 0 कर दिया। असल में ये इस तरह से चल रहा होता है, ये हम अपनी आसानी के लिए क्यों बनाते हैं वो मैं भी बताता हूं। आप जब घर में स्विच लगा होगा बल्ब का ऑन ऑफ का, आप जब ऑफ किया हुआ है तो 0 वोल्टेज चल रहे होते हैं, कोई वोल्टेज नहीं आ रहे। जैसे ही आप उसे प्रेस करते हैं एकदम इलेक्ट्रिसिटी लाइन्स में जाती है और वहां पर वोल्टेज आते हैं, बल्ब जल जाता है। फिर आप उसे ऑफ करते हैं ये 0 वोल्टेज पर आ जाता है, फिर आप इसे ऑन करते हैं 5 पर, फिर 0 पर। लेकिन अगर आपने नोट किया हो कि जब भी आप स्विच ऑन करते हैं आपका लाइट बल्ब फौरन नहीं ऑन हो जाता, वो आहिस्ता आहिस्ता करके ऑन होता है और आहिस्ता आहिस्ता करके ऑफ होता है। इस वजह से यहां पर एक लाइन लगा दी जाती है जो असल में इंक्लाइंड होती है, कि वो बता रही होती है कि ये फौरन 0 से 5 पर नहीं जाएगी वे, और फौरन 0 नहीं होगी। ये बहुत माइन्यूट सा टाइम होता है, अगर मैं इसको मेजर करूं तो ये हो सकता है नैनो सेकंड का टाइम हो, लेकिन बहरहाल होता है, टाइम लगता है एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करते हुए, वो इस फॉर्म में होता है। नॉर्मल हम इसे इस तरह से बना देते हैं जब हम इससे ज्यादा कंसर्न ना हो रहे, ठीक है। उसी तरह से ये जो वेव फॉर्म बनी होती है जब भी हम इसे ऑन करेंगे फौरन ऑन नहीं होगा बल्कि ये इस फॉर्म में होगा और ये टाइम बहुत शॉर्ट होगा, ये जो ऊपर जाने वाला और नीचे आने वाला। इसमें हम ये कहते हैं कि ये लो लेवल है, ये हाई है, और ये नीचे से ऊपर जा रहा है तो हम इसे कहते हैं ये राइजिंग एज है, ये ऊपर से नीचे आ रहा है तो इसे कहते हैं फॉलिंग एज। मैं लिख देता हूं आर ई का मतलब है राइजिंग एज, एफ ई का मतलब है फॉलिंग, फॉलिंग का मतलब नीचे आने वाला, राइजिंग का मतलब है ऊपर जाने वाला। जीरो से जब राइजिंग आ जाए तो आपका समझ आएगा 0 से 5 वोल्ट पर जा रहे हैं 1 के लिए, ठीक है। जितनी भी कंप्यूटर में इनपुट शो की जाती है वो वेवफॉर्म बनी होती है, घबराने की जरूरत नहीं। सिर्फ आपने कहना है कि अच्छा इस वक्त 0 है, इस वक्त 1 हो गई है, और सम टाइम ये गैप कहीं यहां ज्यादा होगा कहीं यहां कम होगा। अगर मैं इस तरह से बनाऊं, ये बनी हो हमारी क्लॉक की एक रेफरेंस बनी हो, उसके बाद अगर मैं इस तरह से बनाता हूं तो हम इसे कंपेयर करेंगे। क्या कंपेयर करेंगे कि जब मेरी क्लॉक ऊपर गई नीचे आई, ऊपर गई नीचे आई, इसकी ड्यूरेशन क्या थी यहां से यहां, और मैं कह दूंगा यहां से लेकर यहां तक एक साइकिल बनता है, तो मैं कहूंगा कि ये जो मेरी एनेबल की लाइन थी ये एक क्लॉक साइकिल, क्लॉक का मतलब जो कंप्यूटर का क्लॉक है, साइकिल का मतलब डाउन से ऊपर जाना, ऊपर से डाउन नीचे आना, यही पार्ट रिपीट हो रहा है, इस पूरे को हम साइकिल कहते हैं। तो मैं कहूंगा कि एक साइकिल के लिए मेरी एनेबल की इनपुट ऊपर चली गई, एक साइकिल के लिए मेरी इनपुट 0 पर आ गई, फिर इस तरह कितने साइकिल के लिए ऊपर गई कितने साइकिल के लिए नीचे गई। तमाम सिग्नल जो हम दे रहे होते हैं ये वाले वो इसके रेफरेंस से ही दे रहे होते हैं, ठीक है। इसे फिर और डिटेल में हम देखेंगे, और इसको आप देखा होगा ऑसिलोस्कोप की तरह का एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसे कहते हैं लॉजिक एनालाइजर, उसके ऊपर ये वेवफॉर्म आ रही होती है, आपके सिमुलेशन के सॉफ्टवेयर में मौजूद है। बहरहाल मैं दोबारा इस पर आता हूं जो हमारा असल प्रॉब्लम था। क्या प्रॉब्लम था कि यहां पर हम जब डेटा मैं प्लेस करूंगा कोई भी डेटा तो उसकी स्पीड इंतहाई तेज होती है डेटा की,
डेटा आ रहा होता है और जा रहा होता है, अगर किसी वजह से ये एनेबल का सिग्नल ज्यादा देर के लिए हाई रह गया, ठीक है, कैसे, ये अगर टू क्लॉक साइकिल के लिए हाई हुआ और इसमें इस दौरान कोई वैल्यू आई, कोई चली गई, कोई आई और कोई चली गई, तेजी से वैल्यू आई और गई, जैसे आम झपकते ही कोई चीज गुजर गई, तो उसका नतीजा क्या होगा कि हमें पता नहीं चलेगा कि इसमें कौन सी वैल्यू स्टोर हुई। मैंने इसे ऑन किया जब ये बंद था, ठीक है, अभी ये हाई स्टेट में ही था कि वैल्यू एकदम लो हो गई, फिर हाई हुई, फिर लो हुई, फिर हाई हुई, जब ये मैंने वापस जीरो किया मुझे कोई नहीं पता कि उस वक्त यहाँ वैल्यू हाई थी या लो थी, तो इसका मतलब है यहां पर मेरी जो वैल्यू होगी वो अनडिटरमिन हो जाएगी, मुझे पता नहीं चल सकेगा। मैंने स्टोर वन करना था लेकिन इसकी स्पीड तेज थी, इसकी स्पीड कम थी, मैंने मैनुअल स्विच से इसको दबाया, उतनी देर में ये 10, 20, 50 वेव फॉर्म गुजर चुकी होंगी, कोई 10, 10, 10 करते करते जब मैंने इसे ऑफ किया उतनी देर में यहां पर डेटा बस पर जो वैल्यू चल रही होगी वो स्टोर हो जाएगी, जो मैं स्टोर करना चाहता था वो स्टोर नहीं होगी। ये प्रॉब्लम जब सामने आई तो सोचा गया इसका हल क्या है, क्योंकि ये तो हाई रहेगा ज्यादा देर, जितनी देर ये हाई रहेगा डेटा यहां पर तेज चलता जाएगा, तेज चलने का नतीजा ये होगा ये बिल्कुल इस तरह हो जाएगा कि मैं अगर एक बटन और उसके साथ एक एलईडी लगा दूं और इसे ऑन ऑफ करने लगूं तो ये भी ऑन ऑफ होने लग जाएगा। उसी तरह अगर ये बल्ब मैं यहां पर लगा दूं या एलईडी और यहां पर तेजी से इसे बंद करूं और यहां डेटा तेजी से ऑन ऑफ होने लगे तो ये एलईडी इसी तरह ब्लिंक करने लग जाएगा जैसे इस बटन के साथ कर रहा था। इसमें से यूं लगेगा कि जैसे ये लैच जो लगाई हुई है ये एक वायर का काम करने लग जाएगी, ट्रांसपेरेंट हो जाएगी। ट्रांसपेरेंट का मतलब ये है कि इसका होना या ना होना बराबर हो जाएगा, ये बिल्कुल इस तरह होगा जैसे डायरेक्ट लाइन इसके साथ जुड़ी हुई है और इसे हम ऑन ऑफ कर रहे हैं उस तरह ये ऑन ऑफ हो रहा है जब तक ये हाई है। इसे कहते हैं कि लैचेस की प्रॉब्लम है वो ट्रांसपेरेंट हो जाती है जब आपका एनेबल का सिग्नल ज्यादा देर तक वन रहे, ये सिमुलेशन के सॉफ्टवेयर में आप देख लेंगे। तो ये पॉइंट आपको समझ आ गया कि जब डेटा हाई स्पीड से आ रहा हो और हमारी एनेबल की जो इनपुट है वो ज्यादा देर के लिए हाई रह जाए तो डेटा की स्पीड की वजह से हमें पता नहीं चलता यहां पर कौन सा डेटा है और ये हमारा अगर एलईडी या बल्ब लगाओ वो भी डेटा के साथ ऑन ऑफ की फॉर्म के अंदर होने लग जाता है और हमारी ये लैच ट्रांसपेरेंट होती है और जब ये वापस जीरो पर आता है हमें नहीं पता चलता यहां पर कौन सा डेटा। सॉल्यूशन ऑब्वियस था इसका, क्या, या तो इसकी स्पीड स्लो कर दी जाए या इसकी स्पीड ज्यादा कर दी जाए कि ये थोड़ी देर के लिए ऑन हो और फौरी तौर पर ऑफ हो जाए, फिर उसके बाद ऐसा सिस्टम हो कि एक दफा मैंने इसे ऑन किया तो वो परमानेंट ऑन ना रहे बल्कि ऑटोमेटिक इसके अंदर एक हाई स्पीड की क्लॉक पल्स बने जो हाई हो और लो हो जाए। उसके बाद बेशक बटन, फर्ज करें यहां पर मैंने बटन लगाया हुआ है पुश बटन, पुश बटन को जैसे मैं दबाऊं उसके दबने पर एक क्लॉक पल्स तेजी से जाए, इसको ऑन करें और ऑफ कर दे, वो इतनी स्पीड होनी चाहिए जो इससे मैच करती हो, तो फिर हमारा जो डेटा इस वक्त लाइन पर मौजूद होगा वही स्टोर होगा और बाकी जितनी मर्जी फिर फ्लक्चुएशन होती रहे वो कोई इफेक्ट नहीं करेगी। प्रॉब्लम की आइडेंटिफिकेशन हाई स्पीड, उसकी वजह से लैच ट्रांसपेरेंट होगी। प्रॉब्लम का सॉल्यूशन इसकी स्पीड क्लॉक पल्स की या इस एनेबल की स्पीड बहुत तेज कर दी जाए ताकि हमारे थोड़ी देर के लिए लाइन ऑन हो और फिर फौरन ऑफ हो जाए ताकि उस वक्त जो डाटा मौजूद हो उसके चेंज होने से पहले पहले इसको ऑन होकर ऑफ हो जाना है, ठीक है। अब ये क्लॉक या ये पल्स जिससे ऑन या ऑफ हो जाए इसकी स्पीड तेज हो जाए इसके लिए क्या सर्किट बनेगा, क्या सॉल्यूशन है डिजिटल सर्किट, ये आप सॉल्यूशन देखेंगे कि तो आपके को पता चलेगा ये तो बड़ा सिंपल सा सॉल्यूशन था, ठीक है। वो किस तरह से, ये एक नॉट गेट मैंने बना दिया और यहां पर मैंने बटन लगा दिए इसके, अब आपको पता है कि और इसके पैरेलल एक लाइन मैंने यहां लगा दी। जब यहां पर मैं कोई वैल्यू चेंज करूंगा वन या जीरो, जब भी मैं चेंज करूंगा, अब आपको पता है ये स्ट्रेट लाइन है, फौरन यहां की वैल्यू तकरीबन
बहुत मामूली टाइम में हम कहते समझते हैं जीरो टाइम में यहां पर पहुंच जाएगी। मैं कहता हूं कि ये जीरो सेकेंड में समझ ले यहां पहुंचे, लेकिन यही वाली इनपुट इस नॉट गेट के पास जाएगी। अब इसके अंदर सर्किट है पूरा, कंपोनेंट्स लगे हुए, जब उनमें से गुजरेगी तो उसका ट्रेवल डिस्टेंस इससे डेफिनेटली ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, ज्यादा होगा तो यहां पर भी ये सिग्नल पहुंचेगा, लेकिन इससे देर में पहुंचेगा, वो चाहे 1 नैनोसेकंड हो, वो डिपेंड करता है कि इसमें कितना टाइम लगेगा। आपके जितने भी गेट्स होते हैं, अगर आप उनकी डेटा शीट देखें तो उसमें बताया होता है कि इस कंपोनेंट में आपके सिग्नल को आउटपुट पर पहुंचते हुए कितना डिले होगा, कितना टाइम लगेगा, उसे कहते हैं प्रोपोगेशन डिले, PD, टाइम TPD। प्रोपगेशन का मतलब यहां से यहां पहुंचते हुए कितना डिले होगा, वो टाइम होगा। TPD क्या है, वो नॉर्मल जो हमारे गेट्स होते हैं उनका टाइम होता है 5 नैनोसेकंड। तो इसका मतलब यहां पहले वैल्यू पहुंचेगी, यहां लेट पहुंचेगी। ठीक, तमाम गेट्स की यही पोजीशन होती है जो इनमें यूज हुए। अब यहां पर मैं एक ट्रिक खेलने लगा हूं, यहां पर मैंने एंड गेट लगा दिया और यहां पर मैं अगर LED या बल्ब लगा देता हूं। फर्ज करें, आप देखें गौर से सुने इसे, यहां पर मैंने जीरो इनपुट की ऑफ था, यहां पर भी जीरो था, ये जीरो यहां से जाके यहां पर 1 वैल्यू थी। ठीक है, इस 1 और इस 0 की वजह से यहां पर आउटपुट क्या थी, 0, ये LED ऑफ था। अब क्या होगा, 0 को मैंने 1 किया तो ये 1 यहां से गया इधर और इसको फौरन कर दिया 1। अब ये 1 यहां से रवाना हुआ, यहां ट्रेवल कर रहा है। मीनवाइल क्या हुआ कि ये वैल्यू भी 1 थी और ये वैल्यू 1 थी, तो यहां पर ये वैल्यू 1 होगी, यानी कि यहां पर पहले 0 थी, अब ये खड़क करके 1 पर चली गई। मीनवाइल 5 नैनोसेकंड गुजरे, यहां पर वैल्यू 0 हुई, ये फौरन ऑफ हो गया और ये ड्यूरेशन कितनी थी, बिल्कुल वही जो यहां पर लगी, 5 नैनोसेकंड। यानी कि ये मेरा LED 5 नैनोसेकंड के लिए ऑन हुआ और ऑफ हो गया। ये इससे बड़ी ड्यूरेशन की 10 नैनोसेकंड की वेव है या 15 नैनोसेकंड की है, जबकि अब यहां पर जो मेरा क्लॉक सिग्नल, अगर मैं इसको उठाऊं और इस लाइन को इधर लाके नेवल के साथ जोड़ दूं और जब अब मैं इसको 1 करूंगा और पक्का इसको 1 पर ही छोड़ दूं, लेकिन क्या होगा, एक छोटी सी शॉर्ट ड्यूरेशन की पल्स जनरेट होगी, 1 वोल्ट की या 5 वोल्ट की, 1 की, वो यहां से क्विकली जाएगी, इससे बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए सिग्नल देगी और जो वैल्यू उस दौरान यहां पर मौजूद होगी वो फौरन सेव हो जाएगी। उसके बाद चाहे मैं इसे बंद रखूं, इसने चेंज नहीं होना। जब मैं इसको 0 करूंगा तो ये लाइन फौरन 0 हो जाएगी, जबकि ये थोड़ी देर के बाद 1 होगी, लेकिन क्योंकि ये 0 है तो ये वैल्यू 0 ही रहेगी, इसमें कोई फर्क नहीं आएगा। और फिर जब दोबारा मैं इसे 0 से 1 करूंगा तब वही काम होगा, ये 1 पहले से मौजूद है, ये 1 फौरन यहां पर जाएगा, दोनों थोड़ी देर के लिए 1-1 होंगे, फिर दोबारा शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए 1 आएगी और फिर खत्म हो जाएगी और ये फिर अनेबल होगा और बंद हो जाएगा। यहां पर बंद रहने से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो प्रॉब्लम जो मेरा स्विच यहां पर बंद रह जाता था वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। और क्योंकि मैं वैल्यू को 0 से जब भी बंद करूंगा, ये स्विच की 0 से बंद करूंगा, ये क्लॉक पर जनरेट होगी। उसके अलावा अगर मैं 1 से 0 करूंगा कुछ नहीं होगा, इसको 1 रखूंगा कुछ नहीं होगा, 0 पर रखूंगा कुछ नहीं होगा। और 0 से 1 मैंने कहा था, जब वेवफॉर्म जाती है तो उसे कहा जाता है राइजिंग एज। इसका मतलब ड्यूरेशन होगी कि जब मेरी सिग्नल, मैं इसे 0 से 1 करूंगा, उस ड्यूरेशन के दौरान ये 1-1 हो जाएंगे और सिग्नल जाएगा। इस वजह से इस पल्स को कहा जाता है राइजिंग एज। और मेरा ये जो सिग्नल काम करेगा, ये राइजिंग है, जब सिग्नल 0 से 1 जा रहा होगा उस वक्त ये पल्स जनरेट होगी। इसको शो करने के लिए कि ये राइजिंग एज है,
यहां पर ट्राइंगल सी बना दी जाती है। जब भी आप किसी लैच के अंदर ये सिग्नल देखें तो आपको फौरन पता चल जाना चाहिए कि ये क्या चीज है। ये इस तरह का सर्किट इसके अंदर लगा है, जब उसको आप जीरो से वन करेंगे तो जीरो से वन होने की ड्यूरेशन में बहुत शॉर्ट टाइम के लिए ये सिग्नल अनेबल होके दोबारा जीरो हो जाएगा। ये एच उस चीज को शो करता है और उसका फायदा ये होगा, ये जो ट्रांसपेरेंट होने वाला सिलसिला था वो खत्म हो जाएगा और जो डाटा उस मोमेंट वेरी ब्रीफ मोमेंट के लिए होगा वो स्टोर हो जाए करेगा और हमें पता होगा। इसलिए जब भी अब हम ये वाली लैच यहां यूज करेंगे, हमने सबसे पहले डाटा सेट करना होगा और उसके बाद इस पल्स को जीरो से वन करेंगे, इस एनेबल को, फौरी तौर पर डाटा यहां स्टोर हो जाएगा। हमेशा याद रखें, डाटा लाइन पर डाटा देने का तरीका, पहले डाटा दिया जाता है फिर जो कंट्रोल की लाइन होती है उसे जीरो से वन करते हैं और डाटा लैच में स्टोर हो जाता है। ठीक है, अब इस सूरत में जब मैंने इस अनेबल के साथ ये वाला सर्किट इसके अंदर लगा दिया, जिसकी वजह से ये राइजिंग एज पर काम करने लगा। एक और नोट करने चीज, इसको मैं रिवर्स भी कर सकता हूं। कैसे रिवर्स कर सकता हूं कि यहां पर अगर मैं नॉट गेट इससे पहले लगा दूं तो काम उलट हो जाएगा। क्या होगा, पहले ये चलता था जीरो से वन पर, अब किस पर चलेगा, अब ये चलेगा जब मैं वन से जीरो दूंगा, वन रखूंगा और जैसे ही वन से जीरो जाएगा तो क्या होगा, ये उसका रिवर्स होकर वही पहले वाला सिग्नल बनेगा और ये काम करेगा। और जब ये वन से जीरो पर काम करेगा, इसे मैं कहूंगा फॉलिंग एज पर काम कर रहा है, और इसकी वजह से मैं यहां पर लगा दूंगा बबल। तो इसका मतलब होगा फॉलिंग एज पर काम कर रहा है मेरा ये वाला एनेबल की पिन या इनपुट, और अगर ये नहीं होगी तो इसका मतलब राइजिंग एज पर काम कर रहा है उसके पीछे ये सर्किट है। ठीक है, ये टर्मिनोलॉजी। अब जब मैंने ये सर्किट ऐड कर दिया जिसकी वजह से ये लैच राइजिंग एज पर काम करेगी या फॉलिंग एज, जो मैं डिसाइड कर लूं, अब इसका नाम लैच से चेंज करके कर दिया गया डी फिलिप फ्लॉप, यानी कि लैचिस लेवल पर काम कर रही होती है कि जब ये वन होगा तो इसके अंदर डाटा स्टोर होगा, अगर नॉट लगा दूं तो जब ये लो होगा उस वक्त डाटा स्टोर होगा, उस सूरत में ये लैच कहलाएगी जब लेवल हाई लेवल पर काम कर रही होगी या लो पर काम कर रही होगी। तो इस डिवाइस है लैच को, हम इस डिवाइस को हम कहेंगे ये लैच है, लेकिन जब एज ट्रिगर पर काम कर रही होगी उस वक्त ये कहलाएगा फ्लिप फ्लॉप। इसे अब मैं कहूंगा डी फ्लिप फ्लॉप, और अगर ये यहां पर ना हो तो मैं कहूंगा डी लैच। ये यहां पर लग गया डी फ्लिप फ्लॉप। हम अपने कंप्यूटर के सर्किट्स में फ्लिप फ्लॉप यूज करते हैं, हाई स्पीड के सर्किट होते हैं, गीगाहर्ट्ज के अंदर क्लॉक चल रही होती है, उसमें यही चीज काम आती है, तो हम इसे कहते हैं फ्लिप फ्लॉप, डी फ्लिप फ्लॉप कहते हैं। ठीक है, अब आप ये ना समझिएगा कि एसआर लैच का कोई और काम नहीं, ये बेसिकली एसआर या आरएस लैच से बने हैं। जब ये फ्लिप फ्लॉप बन गया तो इसका नाम भी हमने चेंज करके लैच की बजाय, अगर मैं इसे फ्लिप फ्लॉप कहूं तो ये कहलाएगा एसआर फ्लिप फ्लॉप, क्योंकि फ्लिप फ्लॉप के अंदर भी मैंने एनेबल की पिन रखी थी, तो ये बन जाएगा आरएस फ्लिप फ्लॉप या एसआर फ्लिप फ्लॉप भी कह देते हैं, एसआर फ्लिप फ्लॉप या आरएस लैच। जब हम एसआर लैच की बात करेंगे कहेंगे एसआर लैच, जब हम फ्लिप फ्लॉप बोलेंगे तो हम बोलेंगे आरएस फ्लिप फ्लॉप। एसआर लैच आरएस फ्लिप फ्लॉप, इसका मतलब एज ट्रिगर यहां पर आ चुका हुआ है, जो अनेबल है वो एज ट्रिगर है शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए, डी लैच और उससे डी फ्लिप फ्लॉप हमने बना लिया। हमारा सिस्टम काफी हद तक मेच्योर हो चुका, हमने वो लिमिटेशन कवर की, ये प्रॉब्लम जो डाटा की हाई स्पीड की वजह से आने लगी उसको भी हमने यहां पर कवर। अब लेसन मोर, हमने अपनी लैच से रिलेटेड मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम जो थे वो सॉल्व कर ली, उसकी लिमिट की प्रॉब्लम, सिलेक्शन, डाटा लिंक, और ये वर्किंग के दौरान जो हमें
प्रॉब्लम फेस आई हाई स्पीड की वजह से, उसके लिए ये सर्किट हमने बना दिया और अपनी लैच को फ्लिप फ्लॉप में कन्वर्ट कर दिया। यहाँ पर हमने टर्मिनोलॉजी उसकी देख ली और जहां पर अब हम अपने सर्किट में कंप्यूटर में लैच यूज करते थे वहां फ्लिप फ्लॉप का लफ्ज आ जाएगा और फ्लिप फ्लॉप के साथ हम यहाँ पर ये एंगल यहाँ ट्राइंगल यहाँ बना देंगे, उससे पता चल जाएगा कि ये हमारे तमाम फ्लिप फ्लॉप हैं और एज ट्रिगर हैं, और यहां से ये भी पता चल जाएगा कि ये राइजिंग एज पर काम करते हैं या फॉलिंग एज पर। एक टर्मिनोलॉजी दोबारा रिपीट कर देता हूं कि अगर यहां पर कुछ ना बना हो तो इसका मतलब होगा ये हाई लेवल पर एनेबल होगा। अगर यहां पर ये बबल लग जाए तो इसका मतलब है ये लो लेवल के ऊपर अनेबल होगा, और अगर यहां पर अंदर वाली साइड पर ये एंगल बना हो या ट्राइंगल लग रहा हो इसका मतलब ये राइजिंग एज के ऊपर काम कर रहा होगा, और इसके साथ साथ अगर बाहर यहां बबल भी बना हो तो इसका मतलब होगा फॉलिंग एज पर काम कर रहा है। इसका मतलब इस वेवफॉर्म के इस पॉइंट पर भी कोई डिवाइस काम कर सकती है, इस पर भी काम कर सकती है, इस राइजिंग एज पर भी काम कर सकती है और इस फॉलिंग एज पर भी काम कर सकती है, और हम अपने बाइनरी वैल्यूज को यूजली वेव फॉर्म की सूरत में शो कर रहे होते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें आपके जहन में अब बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए।